एवरी एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे हम भी अलहमदुल्लह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और यहाँ पे कल का व्लॉग जहाँ पे एंड किया था ना वहीं से नेक्स्ट व्लॉग जो है ना बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि आप जो है ना मैं एक ब्लाग खत्म होता है साथ में दूसरा जो है वहीं से बनाना शुरू कर देती हूँ नेक्स्ट व्लाग की तैयारी जो है क्योंकि मेरा अब आप लोगों के लिए यह सारा टाइम होता है आप लोगों के लिए मैंने व्लॉगिंग करनी होती है और आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार जो मुझे बैक में मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है अच्छा यहाँ पे ना उसके बाद मैंने शाम को जब व्लाग अपलोड किया ना तो के बाद शदीद किस्म का सर में दर्द स्टार्ट हो गया था तो मैंने कहा शाम हो और चाय ना हो मेरी ये ऐसा हो नहीं सकता और हस्बैंड वैसे घर पर होना तो फिर तो उनके साथ लाजमी मैं चाय पीती हूँ शाम की हालाँकि मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है चाय लेकिन फिर भी ना उनको मैं ज़बरदस्ती जो है ना अपने साथ जो है शामिल करती हूँ और उनको चाय ज़बरदस्ती पिलवाती हूँ अपने साथ तो बच्चों को तो मैं लाजमी देती हूँ बच्चे क्योंकि ख़ुद भी जो है ना कहते हैं कि मामा चाय बनाए और हाशिर ने आज ना स्पेशली बोल के मुझे चाय बनवाई कि मामा चाय बनाए और इसकी ना आज तबीयत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी और इस गोलू मोलू पर ना आज मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था क्योंकि इसकी तबीयत जो है ना कुछ थोड़ी सी खराब हो रही थी और बस अभी शाम की हम लोगों ने चाय बनाई है और चाय वगैरह हम लोग इन्जॉय करें और साथ में ये कप केक से बच्चों तो आज ज ना वैसे मैं बिल्कुल जो ना बिस्किट और कप इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाती हूँ लेकिन आज ना बच्चों के साथ एक कप जो है खा लिया था मैंने भी चाय के साथ ले लिया था अच्छा उसके बाद ना अभी हम लोग शाम को यहीं पर बाहर अभी बैठे हुए थे चाय वाले बर्तन भी अभी तक नहीं उठाए थे तो वो साथ वाली जो है नेबर में, में मेरी आंटी हैं बहुत अच्छी हैं तो वो आ गई थी मेरे बर्तन कुछ उनके घर पर पड़े हुए थे क्योंकि प्लेटें वगैरह ना नेबर में इधर उधर ट्रांसफ़र जो है वो होती रहती हैं तो वो लाई थी बच्चों के लिए यहाँ पे केक और यहाँ पे एक कप केक लाई थी बड़ा प्यारा सा था क्यूटू सा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वही शेयर करती हूँ अच्छा जी उसके बाद ना मैंने सोचा था कि मैं रात का जो डिनर वगैरह बनाऊँगी वो सर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कल के ब्लॉग में मैंने बताया भी था आप लोगों को तो हो गई थी मेरे साथ एक ट्रेजेडी क्योंकि मैं जब खाना बनाने लगी ना किचन में शाम की चाय वगैरह पी के हम लोग फ्री हुए तो सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया तो मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज करके बोला तो वो कहते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा दूर हूँ और लेट हूँ और मैं जो है लेट आऊँगा घर वापस तो, तो तुम ऐसा करो कि कुछ और कर लो तो या मैं आते हुए कुछ ले आऊँगा तो मैंने कहा नहीं आप आते हुए ले आना तो वैसे भी कल जो है आज सिक्स सेप्टेम्बर को बच्चों का स्कूल से ऑफ है तो वैसे भी बच्चों ने जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में स्कूल नहीं जाना तो आप लेट हो जाएंगे तो वैसे भी मार्केट जो है बंद हो जाएगी सिलेंडर नहीं हमें रात में मिलेगा तो फिर वो आते हुए जो है यहाँ पर ले आए थे खाना वगैरह सेवर लाए थे और जो कि ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी और साथ में निहारी लाए थे और रायते इसके साथ सेवर के साथ जो कुछ होता है ना लवाजमात वगैरह या रायता और सलाद वगैरह जो वो लोग देते हैं तो वो था बस हम लोगों ने रात में ये सारा कुछ खाया और साथ में एक सप्राइट लाए आए थे क्योंकि चावल बनते हैं ना जब भी मेरे घर पर तो लाजमी जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना वो तो लाजमी होती है मेरी उसके साथ तो उन्हें पता था कि अब चावल लेके मैं जा तो रहा हूँ तो फिर उसके साथ जो है ना कोल्ड ड्रिंक भी मस्ट है तो वो 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 यहाँ पर बड़ा एक न्यू फ्लेवर आया है मिंट व ट का तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आया लेकिन जो लोग मिंट को लाइक करते हैं ना तो उनके लिए बहुत अच्छा है तो मेरे हस्बैंड ने तो माशा उन्हें तो बहुत ज्यादा पसंद आया आया था अपने अपने टेस्ट की बात होती है लेकिन मुझे जो है ना बिल्कुल भी जो है ना पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था तो मैंने तो नहीं पी थी पर और उन्होंने जो है पी ली थी अच्छा जी यह नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लाग आज सुबह का क्योंकि ये मैंने दो दिन का ना कल जो शाम का और आज सुबह से लेकर अभी तक का जो कुछ मैंने शूट किया वो सारा कुछ आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज सुबह अभी अभी बना रही हूँ जी नाश्ता क्योंकि सिलेंडर ंडर वाला सुबह ही हम लोगों ने मंगवा लिया था सिलेंडर आ गया था अलहद्ला और सिलेंडर सिलेंडर की गैस जो है ना आपको पता है कि बिल्कुल जो है ना लाइट से होती है अगर इसके जेट जो होते हैं ना चूल्हे के साथ जो इन्होंने फिट करके दिए होते हैं वो अगर हम लोग तेज़ करते हैं ना तो ये जो है ना बिल्कुल काले काले बर्तन करना शुरू कर देता है जो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं उन लोगों को तो, तो इस चीज़ का आइडिया होगा और हमारी सोसाइटी में ना अभी तक जो है ना गैस नहीं लगी तो बस ये रीज़न है हम लोगों के सिलेंडर यूज़ करने के लेकिन मैं ना दुबई में भी सिलेंडर ही यूज़ करती थी अच्छा दुबई से याद आया मैं आप लोगों के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज जो ना आंसर दूंगी बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में ये है कि मैंने दुबई क्यों छोड़ा है दुबई में तो इतनी अच्छी लग्जरियस लाइफ होती है तो आप लोगों ने क्यों जो है दुबई छोड़ दिया है तो किस मजबूरी में मैं हमें जो है दुबई छोड़ना पड़ा है और मैंने क्या दुबई जो है बारह साल बाद जो है मैंने ये क्यों डिसीजन लिया है तो आज जो है ना इस व्लाग में आप लोगों के सारे क्वेश्चन के जो है ना आंसर भी आप लोगों के साथ दूंगी पहली बात जो है वो मैं आप लोगों की क्लियर कर दूं कि दुबई छोड़ना जो ना हमारी कोई मजबूरी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छी तरह सेटल थे वहाँ पे बच्चों का अभी हम लोगों ने स्टडी भी वहाँ पे स्टार्ट करने का हमारा प्लान था वहाँ पे लेकिन फिर अचानक से ना हमारा डिसीजन जो है ना बस प्लान हम लोगों ने बनाया कि नहीं हमें पाकिस्तान जो है शिफ्ट हो जाना चाहिए मेरे हस्बैंड का भी ये माइंड था हालाँकि उनकी जो वो काम कर रहे थे वो थे किसी कंपनी में ना रियल इस्टेट में होते थे वहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता ही है तो वहाँ पर उनके माशाल्लाह काम बहुत अच्छा बिज़नेस उनका चल रहा था लेकिन फिर भी ना हम लोग वहाँ पे सेटिसफाई नहीं हो रहे थे क्योंकि फैमिली हम लोग सिर्फ अकेले थे वहाँ पे दुबई में और कोई भी हमारा अपना वहाँ पे नहीं था मेरे हस्बैंड की सारी फैमिली यहाँ पे थी मेरी सारी फैमिली यहाँ पे थी तो हम लोगों का ना बहुत ज़्यादा टाइम से एक तो जब उससे कोविड आया था तो हम लोग बिल्कुल जो है ना स्ट्रक हो गए थे दुबई में तो बिल्कुल भी हम लोग आ जा नहीं सकते थे तो बस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और पीछे के जो था ना हम लोगों का फैमिली में आना हम लोगों को बहुत ज़्यादा हम लोग मिस करने लगे थे अपनी फैमिलीज़ को तो बस हस्बैंड ने मैंने डिसीजन लिया कि यार चलते हैं पाकिस्तान तो आखिर एक दिन वतन तो हमारा वही है ना हम लोगों ने वापस तब तो अपने मुल्क ही जाना है ना प्रदेश में हम लोग जितनी मर्जी जिंदगी गुजार लें तो लेकिन आखिर हम लोगों ने वापस तो अपने वतन ही जाना है और अपने घर पे ही जाना है तो यहाँ पे भी आप आके अलहमद हम लोग सेटल हो चुके हैं तो नेक्स्ट जो प्लान हो प्लान है इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ एक एक दो महीने तक इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो शेयर करूंगी कि नेक्स्ट अब हम लोगों का क्या प्लान है क्योंकि आए हुए हमें तकरीबन अब साल होने वाले अक्टूबर में जो है हमें साल हो जाएगा यहाँ पे पाकिस्तान में शिफ्ट हुए हुए बच्चे माशाल्लाह यहाँ पर स्कूलिंग इनकी स्टार्ट कर दी है और अलहमद जी हम लोग जो है यहाँ पर सेटल हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत भी होती है तो अच्छा एक क्वेश्चन ये था कि आई लेफ्ट दुबई आफ्टर ट्वेल्व ईयर्स कि मैंने जो है बारह साल के बाद जो है क्यों दुबई छोड़ा मैंने बारह साल के बाद नहीं दुबई छोड़ा मेरे हस्बैंड ने बारह साल के बाद दुबई छोड़ा है क्योंकि मुझे तो मेरी तो शादी को अभी सिर्फ सेवन ईयर्स हुए हैं तो अब, अब, मेरे हस्बैंड जो है ना मेरी शादी से पहले के वहाँ पर सेटल थे तो माशाल्लाह उनकी अच्छी थी वो सेटल थे तो बस मेरी शादी हुई तो उसके बाद मैं चली गई फिर बच्चे वगैरह हो गए तो हमारी जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा दुबई में गुजरा तो बस अब हम लोग जो है ना तंग आके ना वापस आ, आ गए थे तो अगर हमारी लाइफ में कोई चेंजिंग होंगी तो हम लोग अगर नेक्स्ट किसी भी मुल्क का हम लोग डिसीजन लेते हैं कहीं भी वापस दुबई जाते हैं तो इन आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती रहूँगी लेकिन फिलहाल रिसेंटली जो है ना हम लोग यहीं पर पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में बच्चों की स्कूलिंग वगैरह हो रही है हस्बैंड का अपना ऑफिस है और सारा जो है नर्क हमारा काम सर्कुलर जो है माशा बहुत अच्छा चल रहा है अच्छा जी बातों बात में यहाँ पे नाश्ता जो है वो बन चुका है मेरा और साथ में मैंने अब रख दी चाय भी क्योंकि चाय जो है ना मैं थोड़ा से नाश्ता जब बिल्कुल बनने के करीब आता है ना तब रखती हूँ चूल्हे पर क्योंकि एकदम से चाय बन जाए ना बन के छोड़ दो उसको चाय का दौड़ तो जब तक नाश्ता रेडी होता है ना तो चाय ठंडी पड़ जाती है तो ये वजह है कि थोड़ी सी देर से ना मैं चाय रखती हूँ चूल्हे पर चढ़ाती हूँ यहाँ पर दो मैंने टोस्ट बना लिए थे हाशिर और इशाल के लिए क्योंकि हाशिर की ना तबीयत कल से मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी और पूरी रात जो है इसने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है और ये जो निहारी लाए थे ना रात में यही हम लोगों ने सुबह नाश्ते में खाई थी और साथ में बच्चों को लगा दिए थे ब्रेड के ऊपर मैंने जैम क्योंकि बच्चे ना बड़े शौक से खाते हैं और हाशिर को ना बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा था तो मेरे माइंड में नहीं रहा कि मैं से जो है ना अंडा उबाल देती तो वैसे मैं इसके लिए आप एग जो है वो लाजमी करती हूँ नाश्ते में तो आज मेरे माइंड से निकल गया था तो फिर मैंने कहा नहीं अभी मैं इसे ना क्योंकि उसने नाश्ता भी जो ना प्रॉपर नहीं लिया था कोई चीज़ वो प्रॉपर नहीं खा रहा था तो फिर नाश्ता वगैरह फ्री हो के ना करने कराने के बाद ना तो मैंने उसे अंडा उबाल दिया था एक और साथ में दूध वाला आ गया था दूध भी उबाल लिया था और अब कर रही हूँ यहाँ पे किचन क्लीन और बर्तन जो सारे नाश्ते वाले थे ना वो सारे यहाँ पे वॉश कर रही हूँ क्योंकि बर्तन तो इतने ज़्यादा बरकत उनमें डलती है ना कि एक प्लेट भी गंदी हो ना पीछे लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं ऐसे लाइनें लगती हैं कि जिसकी हद नहीं है अच्छा जी उसके बाद आ जाते हैं दिन में दिन में खाने में आपको पता है कि मैं डेली जो है बच्चों को लाजमी जो है ना देसी घी में रोटी जो है वो कूट के खिलाती हूँ तो आज जो है ना मेरे हाशिर का गला भी ख़राब था ज़ुकाम भी था तो मैंने कहा उसे रोटी जो है वो नहीं खाई जाएगी तो मैं बच्चों को ना सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ पर बनाए थे आलुआं वाले चावल मैंने सिंपल से बनाए थे तो इसकी कोई ज़रूरी नहीं थी कि रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ बहुत सिंपल है हर किसी को मेरे ख्याल में बनाने आते हैं तो बस यहाँ पे चावलों को दम लगा के ना मैं चल पढ़ने चली गई थी जहर की नमाज़ मैंने कहा जोहर की नमाज़ पहले पढ़ लूँ तो उसके बाद जो है ना ये जो मैंने रात को दाल चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी जब चढ़ाई हुई थी तो सिलेंडर फिनिश हुआ था तो उस टाइम की ना दाल फिर मैंने उठा कर डिब्बे में डाल के इसी तरह से रख दी थी फ्रिज में तो अभी जो है ना इसको सारा जो है पूरे प्रॉपर तरीके से रेडी करूँगी और साथ में यहाँ पर बनाऊँगी जी रोटियाँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए और बच्चों के चावलों को लगा हुआ दम बस खाना तैयार करेंगे और ये था जी आज का मेरा व्लॉग आई होप कि हमेशा की तरह आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा एक प्यारे से कमेंट भी ज़रूर मुझे दीजिएगा आप लोगों का फीडबैक अच्छा आता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और मेरा जो नेक्स्ट लोग होता है ना उससे अच्छे से अच्छा मैं बनाने की कोशिश भी करती हूं अपना ख्याल रखिएगा